आप HIV पॉजिटिव है और आप क्या शादी करना चाहते हैं? तो चलिए आज हम देखते हैं कि HIV पॉजिटिव लोग में शादी कर सकते हैं क्या। बहुत सारे लोगों ने, मेरे पेशेंट ने ये हमको पूछा कि मैडम क्या हम शादी कर सकते हैं, हम हमारा घर बसा सकते हैं? तो चलिए आज के ये सेशन में हम उसके बारे में बता देते हैं। जब भी कोई इंसान, उनको अगर HIV होता है तो वो, उनके मन में ये सवाल आता है कि एक HIV पेशेंट पॉजिटिव अगर होता है तो वो निगेटिव से शादी कर सकता है क्या? तो इसका जवाब हाँ है। आप एक निगेटिव जो है, मीन्स जिसको HIV नहीं है, उसके साथ आप शादी कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो HIV पेशेंट है वो भी HIV पेशेंट से ही शादी करेंगे तो अच्छा है। तो चलिए आज देखते हैं कि HIV पेशेंट का शादी क्यों करनी चाहिए, अगर वो उनका हक है तो क्या वो शादी कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग वो अपना जो लाइफ है, जीवन है, वो अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या? तो चलिए, हमारे जो सेंटर में आते हैं बच्चे, एक तो मदर टू चाइल्ड होते हैं, नहीं तो यंग जनरेशन भी जो होती है वो HIV पॉजिटिव होती है। और उनके मन में हमेशा ये सवाल आता है, क्या HIV पेशेंट पॉजिटिव या निगेटिव पार्टनर ढूंढ सकता है क्या? तो इसका आंसर हाँ है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ जानकारी लेना ज़रूरी है। और कुछ जो डिजीज़ेस है वो क्या होते हैं, और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वो कौन से प्रिकॉशंस हैं, ये आपको लेना ज़रूरी होता है। पहले, अगर आप HIV पॉजिटिव है तो जनरल पब्लिक में अगर आप शादी करना चाहते हैं, मीन्स अगर आपके माँ बाप को अगर मालूम नहीं होगा तो माँ बाप आपके लिए लड़का या लड़की ढूंढेंगे। तो कभी भी शादी करते वक्त अपना जो HIV स्टेटस है वो किसी को छुपाइए मत, क्योंकि शादी ये दो दिलों का और दो फैमिली का मिलाप है। तो अगर आप अपना स्टेटस HIV का सामने वाले को बोल दीजिए, अगर वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, अगर उसको आप अच्छे लगते हैं तो वो ना नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपना स्टेटस छुपा के शादी करेंगे तो क्या होता है, आगे जाके लीगल प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऐसे दो तीन केसेस हमारे इधर आए हैं, इसलिए हम ऐसे सलाह देते हैं कि जब भी आपको शादी करनी है तो आपका स्टेटस है वो मत छुपाइए। और दूसरा, अगर आप लोगों में शादी करेंगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि सामने वाला भी वही जो HIV के जो दर्द है, HIV के जो गोलियां है उसके ऊपर निर्भर रहता है, तो उनको मालूम होता है। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको आपके ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, और इसके लिए वो आपको एडिरेंस जो ARTI का है उस पर आपको डिपेंड होना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सही तरह से नहीं खाएंगे गोली, और अगर आपका सामने वाला पार्टनर वो निगेटिव होगा, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होंगे। अभी जो लेटेस्ट स्टडी में U इज इक्वल टू U आया है, मीन्स U मीन्स अनडिटेक्टेबल वायरल लोड टू अनट्रांसमिटेबल, मीन्स अगर आपका वायरल लोड अच्छा है, अनडिटेक्टेबल है, तो आप आपके पार्टनर को विदाउट कंडोम अगर आप सेक्स रखते हैं तो भी आप उसको HIV नहीं दे सकते। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए। तो मैंने बोला कि फर्स्ट आप जब कभी कभी क्या होता है, वो कॉलेज में बच्चे जाते हैं मदर टू चाइल्ड, तो किसी से प्यार में पड़ते हैं और सामने वाला निगेटिव होता है, तो उनको बताना चाहिए। अगर वो सच्चे प्यार करते होंगे तो वो आपको ना नहीं बोलेंगे, वो आपसे शादी करेंगे। लेकिन अगर आप छुपा के उनसे पास शादी करेंगे तो ये गलत चीज़ होगी।
और दूसरा, अगर आप निगेटिव पर्सन देखेंगे तो आपका फैमिली में और सामने वाले के फैमिली में आपका जो स्टेटस है वो डिस्क्लोज हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी वो नहीं होती उसमें। इसलिए अगर आपका सामने वाला पार्टनर मीन्स पर्सन अगर निगेटिव है और अगर आप उससे शादी करते हैं, तो आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि आप अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी आपको हर रोज़। दूसरा, आपका जो डिस्क्लोज़र है वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंशियली रखने को मुश्किल होगा। और ये जो दो मुद्दे हैं वो हमेशा याद रखिए। और ये जो कपल होता है उनको हम सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल बोलते हैं, और ऐसे कपल को हम हर 6 महीने में हम स्पाउस टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं, क्योंकि कभी कभी जो पॉजिटिव पार्टनर है वो दवा बराबर नहीं लेता है, तो वो अगर नहीं लेता है तो वायरल लोड बढ़ जाता है, और वायरल लोड बढ़ जाता है तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो अपने जो पार्टनर है उसमें फैलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है। ये हुआ पहला। और दूसरा जो है, अगर आपको देखने का है तो अगर कोई लड़की या लड़का वो HIV पॉजिटिव ही होगा तो करेंगे, तो आपका एक तो डिस्क्लोज़र में सबका स्टेटस किसी के पास डिस्क्लोज नहीं होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी, और हम दोनों को भी ART का महत्व मालूम है तो आप ART ले सकते हैं। तो ये दो प्रकार के जो है कि शादी करने की है कि नहीं। बाद में शादी के बाद और एक क्वेश्चन उनके मन में आता है कि मैडम अगर हम शादी करेंगे तो हमको अगर बच्चा रखने का है तो क्या हम रख सकते हैं, और हमारा बच्चा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो सुनिए, अगर आप मैंने बोला कि अगर आपका वायरल लोड TND होगा मीन्स टारगेट नॉट डिटेक्टेबल, तो U=U, तो 0.001% चांसेस होते हैं उसमें भी। लेकिन अभी तक ऐसे देखा गया है कि न्यूली जो कपल है एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, माने 0 conversion अगर होगा, और दूसरा दोनों पार्टनर पॉजिटिव होंगे तो भी होने वाले बच्चे, अभी लास्ट 3-4 years हमने देखा है कि होने वाले बच्चे भी निगेटिव है, क्योंकि जब भी पॉजिटिव मदर का भी बच्चा पैदा होता है, तो मैंने एक सेशन लिया है, आप देख सकते हैं EID करके, तो उसमें वो बच्चों को हम तब भी ये देते हैं नेविरापिन या जिडोविडिन देते हैं, तो अभी तक कोई भी बच्चा पॉजिटिव नहीं आया है, तो वो चांसेस है आपके लिए, तो आप आपका लाइफ फुल एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रखिए कि ट्रीटमेंट बराबर लेनी चाहिए, और अगर पार्टनर निगेटिव है तो 6-6 महीने में उनका भी एक करना चाहिए, तपास करना चाहिए HIV का। और अगर बच्चा चाहिए तो अनप्रोटेक्टेड आप सेक्स कर सकते हैं, तभी तो बच्चा रहेगा। तो ये जो है, ये दोनों मैंने डिस्कस किया कि पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पार्टनर और बच्चे। तो ये अभी शादी करनी है तो ये ऐसे लड़के और या लड़कियां कहाँ मिलेगी? तो जब जो भी आप ERT सेंटर में लेते हैं ट्रीटमेंट, तो आप वहाँ के डॉक्टर से काउंसिलर से पूछ सकते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा है तो क्या मुझे लड़की या लड़का मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है वो आपका बायोडाटा लेके फिर काउंसिलर के पास देते हैं। तो वहाँ हमारे इधर भी हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन हमने अभी तक मदर टू चाइल्ड जो चिल्ड्रंस है बॉयज़ एंड गर्ल्स उनकी शादी भी की है, तो उनका बायोडाटा लेके वो दोनों को फिर वो भी जो डॉक्टर्स है और वो बोलते हैं कि आप खुद जाके आपका जो शादी का जो है मीन्स आपको अगर वो लड़के का एजुकेशन क्या है, वो किधर नौकरी करता है, वो उनका घर क्या है, ये जो उनका जो बाजू का आजू बाजू का जो कुछ आपको पूछने का है वो बाद में हम उनके ऊपर ही डालते हैं। हम सिर्फ दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा लड़का है ऐसी लड़की है। तो आप भी अगर किधर
आपके जहाँ आप ट्रीटमेंट लेते हैं वहाँ के आप मेडिकल ऑफिसर से पूछ सकते हैं। दूसरा, ऐसे हज़ारों मैरिज ब्यूरो भी है जो सिर्फ अपने HIV लोगों के लिए काम करते हैं, तो उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और प्राइवेट भी है, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा संभल ही है क्योंकि वो फीस लेते हैं और आपका कॉन्फिडेंशियलिटी मालूम नहीं कि वो रख पाते हैं कि नहीं। क्योंकि ये जो अपना ART सेंटर में क्या है कि जो भी पब्लिक आता है, बच्चे आते हैं अनमैरिड, तो उसका हम कर सकते हैं। तो आप अपने लोगों के साथ जाके पूछिए और आप बिंदास शादी करिए, वो शादी का ये नहीं है। लेकिन एक सिर्फ ध्यान में रखिए, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि ART बराबर लीजिए। ART अगर लेंगे आप तो ही आपका एडिरेंस अच्छा रहेगा, आपका वायरल लोड डिक्रीज होगा। और अगर वायरल लोड अच्छा होगा तो आपको ज़्यादा चांसेस नहीं रहते ट्रांसमिशन के। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि मैंने अभी आज ये सब बताया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बच्चों को अगर शादी करनी है तो कभी भी मत छुपाइए कि मैं ऐसा हूँ। और उधर क्या होता है कि आपको अपने कास्ट का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप और आपके घर वाले अगर तैयार होंगे तो अलग अलग कास्ट के लड़की लड़कियाँ आती है, तो अच्छे लड़के और अच्छी लड़कियाँ भी होती है, तो आप देख सकते हैं। और दूसरा, ये एडिरेंस में एडिरेंस पे है कि ART बराबर लीजिए तो आपको कुछ ये नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे कपल है और बच्चे भी है, अभी पिछले 3-4 साल से कोई भी बच्चा पॉजिटिव नहीं आया है, छोटा बच्चा। तो ये ध्यान में रख के आप ज़रूर शादी कीजिए। और कुछ भी इसके व्यतिरिक्त अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वो कमेंट का जवाब दे दूंगी। और व्यूवर्स, अगर ये आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।